हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति की पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.1 हल कराया था। आज की वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे त्रिकोणमिति फलन क्या है और त्रिकोणमिति फलनों के बाद त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं, उनकी डोमेन रेंज क्या होती है, त्रिकोणमिति फलनों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आदि पर मानों पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति फलन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में फलन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कहा गया था ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। एक विशेष प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ हमारे पास जो अब हेडिंग है वो है त्रिकोणमिति फलन। वहाँ हमने बहुत से फलनों के बारे में भी पढ़ा था, जैसे अचर फलन, मापांक फलन, बहुपदी फलन। उसी प्रकार से हमारे पास क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। त्रिकोणमिति फलन की बात करें तो जो त्रिकोणमिति फलन होता है उसमें क्या आते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों की बात करें तो त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात हैं। कौन कौन से हैं, उनके नाम इस प्रकार है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, ये है हमारे क्या, 6 त्रिकोणमिति अनुपात। इन अनुपातों को क्या करते हैं, हम लोग फलन में लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति फलन। जैसे अगर आप परिभाषित करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति फलन या वृत्तीय फलन। इसे क्या कह सकते हैं, हम लोग त्रिकोणमिति फलन को वृत्तीय फलन के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसे वृत्तीय फलन कहते हैं, वृत्तीय फलन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हम लोग त्रिकोणमिति फलन को वृत्तीय फलन के नाम से भी क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं, जिसमें आवर्ती सूचनाओं का क्या होता है, आवर्ती सूचनाओं के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग फलन लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे, फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स। जो अब हमारा जो त्रिकोणमिति अनुपात था वो क्या कहने लगेगा, फलन। फलन है किसका, एक्स का है, कौन, साइन एक्स। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो ध्यान देख लीजिए, ये हमारे क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। ठीक है ना, अब त्रिकोणमिति फलनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो हम लोगों ने क्या देखा, अनुपात देखा कि त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात थे, उन 6 अनुपात को क्या करा हम लोगों ने, फलन के हिसाब से लिख लिया, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति फलन। इसमें क्या होता है कि जैसे जो कोण है, जो हमारे पास क्या है, एंगल, ये एक्स है, ये एक्स है, ये इसे थीटा भी मान सकते हैं। ये एंगल क्या हो रहा था, एक निश्चित टाइम के बाद क्या होता है, बार बार बदल रहा होता है, जिसे कह रहे होते हैं कि जो त्रिकोणमिति में कोण होता है, त्रिकोणमिति फलन में जो कोण होता है उसमें क्या होता है, आवर्ती संघटनाएं पाई जाती हैं। मतलब वो जैसे अपना मान क्या होता है, फिर से रिपीट कर देता है। ठीक है ना, पेरियडिक होता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। जैसे हमने देख लिया है ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक है। ठीक है ना, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्या हो गए, त्रिकोणमिति फलन हो गए। त्रिकोणमिति फलन में इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति में जो माप होती है वो दो प्रकार, कोणों की जो माप होती है वो दो प्रकार से पढ़ी थी हमने। पहला पढ़ा था क्या, पहला पढ़ा था डिग्री में माप, किसमें माप, डिग्री में। और दूसरी जो माप हमने पढ़ी थी वो माप हमने पढ़ी थी रेडियन में, किसमें पढ़ी थी, रेडियन में पढ़ी थी। ठीक है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण मापों की क्या करेंगे हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिन्हें आप क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा वो टेबल। ठीक है ना, जैसे देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, साइन लिखा है, कॉस लिखा, टेन लिखा। हम लोग जो फलन है उसे किस में बदल लेते हैं, थीटा में बदल लेते हैं। तो एफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा के लिए हो गया। इसी प्रकार से टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबके लिए क्या कर लेते हैं, इसे थीटा में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी होगी कि जो थीटा है वो क्या है, एंगल है। तो इधर हमने क्या लिख दिया है, ये अनुपात, क्या लिख दिया है, अनुपात। ठीक है ना, और इधर क्या लिख रहे हैं हम लोग, कोण लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोण, किधर साइड, इधर की साइड। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया फलन। ठीक, कोण कौन कौन से रहेंगे, देखिए
कोण कौन कौन से, सबसे पहले तो 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या ले लेते हैं, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है, ये रहा। आप अगर देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री का रेडियन में 0 ही होना है, ठीक है, 30 डिग्री को यदि हम लोग रेडियन बदलें तो 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, 45 डिग्री की बात करें तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और 60 डिग्री की बात करें तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, और 90 डिग्री की बात करें तो ये पाई बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसे रेडियन में भी समझ सकते हैं, या ये रेडियन में चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, 45 डिग्री या क्या, पाई बाई 4। ये टेबल आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, भविष्य में आपको बेहतर सवालों को लगाने में आसानी हो, इस वजह से आपको यह टेबल क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान से देखिए। वैसे हम आपको यहाँ क्या कर दे रहे हैं, टेबल में जो वैल्यू आने वाली है उनको समझा के बता देने दे रहे हैं, जिससे क्या कर सकते हैं आप, कभी भूल गए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए टेबल कैसे बन रही है। टेबल हमने बनाई है जिसमें हमने सबसे पहले क्या लिया है, 0 डिग्री लिया है, उसके बाद क्या लिया है, 30 डिग्री लिया है, उसके बाद क्या लिया है, 45 डिग्री लिया है, फिर 60 डिग्री लिया है, और उसके बाद कितना है, 90 डिग्री लिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए आप आसानी के लिए आप गिनती लिखिए, क्या लिखिए, यहां देखिए हम रफ वर्क में आपके लिए क्या लिख देते हैं, गिनती, ठीक है, कैसे, आप गिनती लिखिए, यहां से 0 से शुरू कीजिए, कहां से, 0 से, 0 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4, ठीक है। आप शुरू में सबसे पहले ऐसे क्या लिख लीजिए, 1 से लेकर के 4 तक की क्या लिख लीजिए, गिनती लिख लीजिए 0 से लेकर के, ठीक है। फिर क्या कीजिए, सबसे लास्ट नंबर जो है उसी से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो सबसे लास्ट नंबर कितना है, 4, 0 से 4 में भाग लगा दीजिए, 1 से 4 में भाग लगा दीजिए, 2 से 4 में भाग लगा दीजिए, 3 से भी 4 में क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, और 4 से भी 4 में क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अब भाग लगाने के बाद सब पर रूट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए, देखिए हम सब पे क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, रूट लेंगे तो ये हमारा रूट में हो जाएगा, ये भी हमारा रूट हो जाएगा, ये भी हमारा रूट हो जाएगा, ये भी हमारा रूट हो जाएगा, और ये भी हमारा किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब इसे क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहली बात, जब 0 में 4 से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, 0, और 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 0। 1 को 4 से भाग देंगे, भाग देने से अच्छा है कि आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर लें, 1 पर भी रूट है और 4 पर भी रूट है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, ये 2 रूट से बाहर निकल नहीं सकता, 4, यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ 1 बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए 1/√2। यहाँ आगे देखिए, √3 तो बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए √3, और 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, ये जो आपका आपको ये सब वैल्यू दिख रही हैं, ये सब वैल्यू किसकी हैं, साइन की हैं, आप साइन में उठा के क्या कीजिए, इसे पुट कर दीजिए, ठीक है ना, साइन के लिए ये हमारी टेबल है, साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा ये पाई बाई 3, ये पाई बाई 6 है, ठीक है, पाई बाई 4 या 60 डिग्री या पाई बाई 3, और ये हो जाएगा 90 डिग्री या पाई बाई 2, ठीक है। देखिए साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साइन 45 अंश का, तो एक कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 60 अंश का मान, करणी में 3/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा क्या, साइन की वैल्यू, कुछ मुख्य मान है जिन पर हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, 1/2। अब कॉस लिखना है, क्या लिखना है, कॉस लिखना है। तो कॉस लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का ही जो मान इधर 90 से है, इधर से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो साइन कॉस का लिख रहे हैं, तो कॉस 90 का मान, साइन 90 का मान कितना है, 1, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। कॉस साइन जो 30 अंश का, जो साइन 60 अंश का मान है, वो कॉस कितने का होगा, 30 अंश का, तो ये हो जाएगा करणी में 3/2, ये कितना हो जाएगा, 1/ करणी में 2। यहां साइन कॉस 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2। फिर क्या, 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर, इसके लिए, साइन के लिए और कॉस के लिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग tan में। देखिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा क्या tan के लिए, कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा। ये सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा पिछली कक्षा में, यदि नहीं पढ़ा है तो हम आगे और भी चर्चा करेंगे तो इन सूत्रों को भी कवर करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमें 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे बदल लेंगे, tan 0 बराबर क्या हो जाएगा sin 0 अपान क्या हो जाएगा cos 0। sin 0 का मान 0, cos 0 का मान कितना, 1। 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, 0। इस प्रकार से tan 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, sin इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अर्थात देख लीजिए जैसे हमें 30 अंश की वैल्यू चाहिए तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। sin 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, cos 30 का मान करणी में 3/2 क्या हो जाएगा, जब ये भिन्न क्या होगा पलटेगा गुड़े का निशान, तो 1/2 गुड़े 2/2 कितना हो जाएगा करणी में 3, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1/2 करणी में 3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 1/2 करणी में 3। इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ ये पूरा देखिए अंश और हर दोनों आपस बराबर है इसलिए यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा करणी में 3 और ये अंतिम वाला क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है ना। इसे इन्फिनिटी कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है। इसे आप क्या कह सकते हैं या 1/2 क्या कह सकते हैं 0 कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अब हमें कॉट का लिखना है तो कॉट का लिखने का तरीका वैसे सेम रहेगा जैसे साइन का लिखने के बाद हम लोगों ने कॉस का उल्टा लिख दिया था, वैसे ही कॉट लिखने का तरीका क्या है, टेन का जो हमने लिखा है उसका क्या कर दें उल्टा कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0/1 या इन्फिनिटी, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा करणी में 3, अगला 1, अगला 1/2 करणी में 3, अगला कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब सेक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सेक की, तो जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/ कॉस थीटा। मान लो हमें 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा सेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/ कॉस 0 डिग्री, 1/2 क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का भी मान 1, तो आंसर कितना हो जाएगा sec 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे उल्टा करके लिखना शुरू करेंगे तो cos का उल्टा 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, मतलब 2/ करणी में 3। आगे बढ़े तो इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 करणी में 2/ कितना 1, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं केवल करणी में 2 लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, उल्टा होने का मतलब क्या हो जाएगा 2 ऊपर ना इसका बटा 1 है, तो अगर 1 ऊपर चला जाएगा और कौन 0 नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग फिर से अगर sec लिख लिए हैं तो sec का उल्टा हमारा क्या होगा cosec होगा, तो हम लोग इसे क्या कर लेते हैं वहां से उल्टा करके लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ करणी में 2 हो जाएगा, यहाँ 2/ करणी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये रही क्या मुख्य मानों की टेबल, ठीक है, जहाँ जिसमें 0 से लेकर के हमने 90 डिग्री तक के मानों को क्या किया है कवर किया है। इससे बड़ी वैल्यू अगर आती है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे और उसे क्या करेंगे इस फॉर्मेट में बदलेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे। आगे की प्रश्नावली में हम ये सब सारी चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये टेबल सबसे महत्वपूर्ण है जिसे क्या करना है आपको याद करना है। आप क्या करें इसकी एक क्या बना ले टेबल बना ले जिसे बार 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 क्या करें दोहराएं और इस पर आने वाली विभिन्न सवालों को लगाएं जिससे यह टेबल आपको क्या हो जाए याद हो जाए। रटने से यह टेबल याद नहीं होने वाली है, इसलिए इस टेबल को ध्यान से प्रतिदिन एक बार जरूर बनाएं। तो देख लीजिए टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये थी क्या हमारे मुख्य मानों की टेबल। आगे बढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन हैं, ये तो आपको पता चल ही गया है। देखिए त्रिकोणमिति में जो कुल 6 फलन हैं उसमें बात करते हैं हम लोग फलन क्या फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स की, किसकी बात करते हैं फलन एफ एक्स बराबर किसकी साइन एक्स की। ध्यान से देखिए आगे हम 6 फलन जो हैं उन 6 फलनों की प्रांत और परिसर लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि फलन पढ़ रहे हैं तो फलन में क्या होता है फलन में यही तो पूछा जाता है प्रांत बताइए क्या बताइए परिसर बताइए, तो हम लोग फलन की प्रांत और परिसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए फलन की प्रांत और परिसर, ठीक है, हमने यहाँ फलन लिखा है और सामने हम उसकी क्या लिखेंगे डोमेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे डोमेन लिखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं प्रांत बोल रहे हैं। आगे उसके क्या लिखेंगे रेंज लिखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं परिसर बोलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला फलन हमारा क्या है fx बराबर sin x, fx बराबर क्या है sin x है। आइए आपको
आपको इन त्रिकोणमिति फलनों का ग्राफ बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ग्राफ, और मैंने आपको डोमेन और रेंज सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने आपको डोमेन बताने के लिए कई तरीके बताए हैं। जैसे हमने आपको डोमेन बताया होगा तो आपको ये जरूर बताया होगा कि जो डोमेन होती है वो एक इनपुट होती है। आप किसी भी फलन में जब ये क्या करोगे, रखोगे, तो जो आंसर मिलेगा वो रेंज हो जाएगी, और जो रख रहे हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। या मैंने आपको दूसरे तरीके में बताया है कि जो एक्स एक्सिस पर फैलाव होता है वो उसकी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है, और जो वाई एक्सिस पर फैलाव होता है वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो हम लोग सबसे पहले साइन पे चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, साइन के लिए साइन की वैल्यू आपको पता, देखिए इससे पहले जो टेबल हमने पढ़ाई है वो टेबल आपको क्या आनी चाहिए, बढ़िया से आनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, ये साइन एक्स की टेबल बना पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, डोमेन और रेंज तो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सिखा देते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है साइन एक्स का। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, निर्देश तंत्र है, जिसे कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल में ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, ध्यान सुनिए, सबसे पहले हमने जब शुरू करा था तो साइन 0 डिग्री का मान हमें क्या मिला था, 0 मिला था। साइन 0 डिग्री का मान क्या मिला था, 0 मिला था। हम लोग इधर रख, इस पर जो वैल्यू रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, रेडियन में। ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। 0 के बाद क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं हमारा, ये हमारा क्या है, पाई बाई टू। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा क्या है, पाई है, फिर बढ़ेंगे आगे, पाई, पाई के बाद कौन आ जाएगा, पाई के बाद फिर 3π/2। ठीक है, अरे भाई पाई में हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई बाई टू जोड़ रहे हैं भाई। 90 तक हमने बताया था आपको, 90 को पाई बाई टू बोलते हैं, तो 90 अंश के अंतराल पे हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप इससे पहले वो जो टेबल हमने पढ़ाई है वो टेबल आपको अच्छे से याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। देखिए 3π/2 है, फिर कितना हो जाएगा, ये आगे बढ़ेंगे तो 2π हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -π/2, ये क्या हो जाएगा -π, इधर की तरफ कितना हो जाएगा 3π, -3π/2, इधर कितना हो जाएगा 2π। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम देखें कि जो फलन होता है उसका 0 डिग्री पर मान कितना होता है, तो 0 डिग्री पर मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगर हम लोग फलन का मान क्या ले लेते हैं, पाई बाई टू, कितना ले लेते हैं, पाई बाई टू, तो फलन का कितना मान हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और इधर तरफ ये कौन है, -1 है। ठीक है, ये 1 है और ये कितना है, -1, तो पाई बाई टू पे फलन का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब फलन का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उल्टा लिखा जाएगा, तो जब उल्टा लिखोगे तो पाई पे फिर से आगे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। पाई पे फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, जब फिर से हमारा फलन का मान होगा, जब लोग फिर से ऐसे वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखते रखते हमारा फिर से जब मान बढ़ेगा तो कहां तक जाएगा, 3π/2 पर। 3π/2 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, उच्चतम कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 2π पर फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये फलन का मान हमारा क्या रहेगा, चलता रहेगा, क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है ना, ये ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से ये निगेटिव के लिए भी देख लीजिए, निगेटिव के लिए फलन का मान हमारा क्या हो जाएगा, -1 होगा पहले, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहले तो माइनस होगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, ऐसे। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा होगा हमारा मान। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका क्या, साइन एक्स का ग्राफ। अगर आप देख पा रहे हो तो साइन एक्स की जो डोमेन है, साइन एक्स की क्या है, जो डोमेन है, अगर वो लिखी जाए तो डोमेन क्या लिखी जाएगी, देखिए एक्स अक्ष पर उसकी वैल्यू तो बढ़ती ही जा रही है। एक्स अक्ष पर आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे, आपको आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप इनपुट दे दीजिए आर, क्या दे दीजिए, आर। मतलब क्या, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। आर का मतलब क्या है, रियल नंबर, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं, f(x) बराबर sin x के लिए सभी वास्तविक संख्याएं क्या हैं, उसकी क्या है, डोमेन है, प्रांत है। लेकिन आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर हमेशा किसके किसके बीच मिलेगा, -1 to 1, किसके किसके बीच मिलेगा, -1 to 1, समझ रहे ना, और वो भी क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसलिए क्योंकि 1 और -1 दोनों ही क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे, दोनों ही क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये रहा किसका ग्राफ, sin x का। ठीक है, आई होप आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना क्या होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले फलन की ओर। जो दूसरा फलन है उसका नाम है f(x) बराबर क्या, हमारे पास cos x है। अगले फलन का नाम हमारे पास क्या है, f(x) बराबर क्या है, cos x है। तो f(x) बराबर cos x में देखिए, सबसे पहले तो f(x) बराबर cos x की हम लोग क्या बना लेते हैं,
आलेख ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यह हमारे पास क्या है, ये प्लस एक है और ये कौन है माइनस एक है, ये कौन है जीरो है, ये कौन है पाई बाई टू है, ये कौन है पाई है, ये कौन है तीन पाई बाई टू है, ये कौन है टू पाई है। इसी प्रकार से इधर देखिए ये माइनस पाई बाई टू है, ये कितना है माइनस पाई है, ये कितना है माइनस तीन पाई बाई टू है, ये कितना है पाई टू पाई। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग देखें तो साइन जीरो का मान तो जीरो होता है, इसलिए साइन जीरो का मान जीरो होता है, इसलिए साइन की शुरुआत कहाँ से होती है, मूल बिंदु से होती है। लेकिन कॉस का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान एक होता है, इसलिए कॉस की शुरुआत कहाँ से होनी है, एक से होनी है। एक से कहाँ पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा जीरो, पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा जीरो। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस पाई पर क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस तीन पाई बाई टू पे फिर से क्या हो जाएगा जीरो। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से टू पाई पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर से अगले वाले पर क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहां क्या रहेगा, यहां एक है तो माइनस पाई बाई टू तक ऐसे, फिर कहां माइनस पाई पर, फिर माइनस तीन पाई बाई टू पर, फिर माइनस पाई पर माइनस एक, ऐसे। ठीक है, ये रहा किसका ग्राफ, आपके कॉस एक्स का, किसका ग्राफ है कॉस एक्स का ग्राफ है। इस प्रकार कॉस एक्स का ग्राफ आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए कॉस एक्स के ग्राफ की बात देखें तो उसमें देख पा रहे हैं हम लोग जो हमारी डोमेन है एक्स पर फैलाव है वो फिर से हमारा क्या है आर है, और हमारी जो रेंज हो जाएगी वो फिर से कहां तक में है, देखिए माइनस एक के एक के बीच में, माइनस एक से कहां तक एक के बीच में है। ठीक है, ये रहा क्या आपके कॉस एक्स का ग्राफ। इसी प्रकार से क्या टेन है, कॉट है, सेक है, और कौन है कॉसेक है। देखिए हम आगे भी बता रहे हैं आपको, अगला कौन सा फलन है टेन एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास टेन एक्स है। ठीक है, टेन एक्स के लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए, टेन एक्स के लिए जो डोमेन हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। लेकिन एक बात क्या रहेगी सही नहीं होगी कब, क्योंकि टेन एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं साइन एक्स बटा क्या कॉस एक्स, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। उस स्थिति में जो कॉस एक्स होना है उस कॉस एक्स को क्या होना है जीरो नहीं होना है। और कॉस एक्स जीरो कब कब होता है, कॉस एक्स जो होता है वो जीरो कब कब होता है, तो कॉस जीरो पर तो एक होता है लेकिन नब्बे पर क्या हो जाता है, नब्बे पर हो जाता है जीरो। इसलिए एक्स का जो मान हो जाना है वो क्या होना है टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। ये सब वैल्यू के लिए इन सब वैल्यू को छोड़ करके, इन सब वैल्यू को क्या करके छोड़ करके जो आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारी क्या हो जाएगी डोमेन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पर फलन हमारा क्या हो जाएगा परिभाषित ही नहीं होगा, इस पर फलन हमारा क्या होगा परिभाषित ही नहीं होगा। इसलिए रियल नंबर में से क्या कर देते हैं 2n प्लस वन पाई बाई टू को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई डोमेन हो गई, क्या हो गई डोमेन हो गई। और जो हमारी क्या होगी रेंज होगी वो क्या होगी ऑल रियल नंबर, क्या होगी ऑल रियल नंबर। ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि हमने यहाँ ये 2n प्लस वन पाई बाई टू क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि फिर से वो रिपीट होके आएगा। देखिए n का मान आप क्या रखेंगे यहाँ जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से जैसे ही आप एक रखेंगे तो दो एक नम दो एक तीन पाई बाई टू आ जाएगा, फिर से वो रिपीट होके आ रहा है ना तीन पाई बाई टू पे, फिर से वो क्या हो जाएगा जीरो। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, इसलिए हमने इसे क्या जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है कि टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। ठीक है, देखिए टेन के बाद कौन आएगा, टेन के बाद एफ एक्स बराबर कौन कॉट एक्स, एफ एक्स बराबर क्या आएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स के लिए क्या हो जाएगा कॉट एक्स के लिए सूत्र होता है कॉस एक्स अपान क्या साइन एक्स। इस बार हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो साइन एक्स है वो बराबर नहीं होना चाहिए क्या जीरो के। साइन जीरो कब कब होता है जीरो पे होता है, 180 पे होता है, इसलिए सीधे सीधे लिखेंगे कि साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो कहाँ एन पाई। एक रखेंगे जीरो रखेंगे तो जीरो पे हो जाएगा, एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए पाई हो जाएगा, तो एन पाई को छोड़ करके मतलब जो हमारी क्या होगी प्रांत होगी वो क्या होगी रियल नंबर, लेकिन किसे एन पाई को छोड़ करके, रियल नंबर लेकिन किसे एन पाई को छोड़ करके, तो हमारा जो क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल आर हो जाएगा। बच्चे नेक्स्ट
एफ एक्स बराबर सेक एक्स, एफ एक्स बराबर सेक एक्स, और सेक एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स बराबर होता है वन अपान कॉस एक्स, वन अपान क्या होता है कॉस एक्स। फिर से वही बात कि हमारी क्या जो बात है वो क्या है, cos x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए यही वाली बात यहाँ फिर से है, तो इसलिए जो हमारी डोमेन हो जाएगी वो हमारी डोमेन होगी, सभी रियल नंबर होंगे लेकिन किसे छोड़ करके, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर हमारा क्या होगी, आंसर होगी, ठीक है ना। ये रहा किसके लिए, sec x के लिए, और हमारा जो क्या होगा परिसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक, क्लोज इंटरवल यूनियन माइनस एक से, माइनस एक से लेकर गलत हो गया, प्लस एक से प्लस इन्फिनिटी तक, वो भी क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा यहाँ गलत है, ये हमारा कौन सा ओपन इंटरवल रहेगा, और यहाँ भी कौन सा रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। एक को टच नहीं करेगा, एक को टच नहीं करेगा ना, तो माइनस एक को टच करेगा, बाकी सबके लिए रहेगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, एफ एक्स बराबर हमारे पास कौन सा है, एफ एक्स बराबर हमारे पास सेक एक्स के बाद कौन है, कॉस एक एक्स, कौन है कॉस एक्स एक्स, और कॉस एक्स के लिए क्या होता है, वन अपान साइन एक्स। फिर से ध्यान रखना है कि साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होना है, जीरो, और साइन कब कब जीरो नहीं होता, एन पाई पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई, और आंसर हमारा जो रेंज हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी से एक, ओपन क्लोज इंटरवल यूनियन एक से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। ये रहा क्या हमारे छह त्रिकोणमिति फलन, उनके डोमेन और रेंज, ठीक है। हमारे त्रिकोणमिति फलनों के ये साइन एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन आर हो जाएगी, रेंज हो जाएगी माइनस एक से एक तक। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, डोमेन आर हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगी, माइनस एक से एक तक। और ये हमारा टेन एक्स है जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि कॉस एक्स क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये रहा हमारा क्या, कॉस एक्स के लिए। इस प्रकार से छह त्रिकोणमिति फलनों के क्या आपके पास डोमेन और क्या है, रेंज है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग कुछ सर्व समीकरणों पर चर्चा करते हैं, जैसे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, देखिए त्रिकोणमिति में हमारे पास कुल कितने फलन थे, छह फलन थे। छह फलनों के नाम कौन कौन से हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कौन है, कॉसेक हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, एक होता है। इसी प्रकार से दूसरी जो सर्व समीकरण है वो क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या, सेक स्क्वायर एक्स। और तीसरी सर्व समीकरण की बात करें तो तीसरी सर्व समीकरण हमारे पास क्या है, तीसरी सर्व समीकरण हमारे पास है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर यक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, त्रिकोणमिति में तीन सर्व समीकरण हैं। आइए देखते हैं इन सर्व समीकरणों को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या ले लिया है, एक इकाई त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया है, ठीक है ना। जिसकी इकाई त्रिज्या का क्या मतलब है कि जिसकी त्रिज्या, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक है। आप ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ भी कवर करने का प्रयास करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ कवर करते हुए मिले, ठीक है। मान लीजिए हमने वृत्त की परिधि पर कोई पॉइंट ले लिया है, इसका नाम हमने रख दिया है P, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, हमारे पास cos x है और कौन है, sin x है। ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि हमने जो वृत्त लिया है वो एक इकाई त्रिज्या का है, कितने का है, एक इकाई त्रिज्या का है। इसका मतलब अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछें आपसे तो आंसर क्या होगा, एक जीरो होगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष पर तो हमारा एक खाना है लेकिन y अक्ष पर हमारा क्या है, जीरो खाना है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़े और यहां पहुंचे तो यहां देख रहे हैं हमारे पास क्या, x अक्ष पर तो जीरो खाना है लेकिन y अक्ष पर क्या खाना है, एक खाना है, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, एक है। इसी प्रकार से हम यहां बढ़े तो यहां देखते हैं हमारे पास यहां माइनस एक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा और कौन हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको मान नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से भी साइन कॉस टेन के मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कॉस की बात करें, कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री का मान यहां पर कितना होता है, क्योंकि ये लाइन जो है एक्स अक्ष की वो जीरो डिग्री है, ये कौन सी डिग्री की है, ये जीरो डिग्री, जीरो अंश है या, ठीक है, इस रेडियन में तो इसका वही मान होता, बाकी ये क्या है हमारा 90 अंश है, कितना है 90 अंश है, या ये क्या है पाई बाई 2 है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आप बहुत सारी चीजें यहां से ज्ञात कर सकते हैं। पहली चीज कि कॉस 0 अंश का मान कितना 1, साइन 0 अंश का मान कितना 0, ठीक है। दूसरी, कॉस
90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी चीज को यहां लेके आ जाएंगे तो कॉस ये कितना हो जाएगा, वो 0 है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 180, ठीक है पाई 180, ठीक है। फिर से ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 पाई बाई 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। फिर आप यहां पहुंच जाओगे, फिर से ये कितना हो जाएगा 2 पाई। ऐसे आप आगे क्या करोगे, ऐसे बढ़ते रहोगे, ऐसे घूमते रहोगे, आपको वो सब वैल्यू मिलती रहेगी। जैसे मैंने आपको त्रिकोणमिति फलन में कहा था कि जो त्रिकोणमिति फलन है वो वृत्ति फलन इस प्रकार है कि जो कोण है वो क्या है, आवर्ती घटनाओं के बारे में हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं, मान लीजिए हमने यहां से क्या कर दिया, एक्स अक्ष पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर हमने क्या खींच दिया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, लंब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लंब खींच कह रहे हैं। और यहां से यहां तक क्यूब को हमने दूरी क्या मान ली है, ए मान ली है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, बाकी यहां से लेकर यहां तक हमने क्या मान लिया है, बी मान लिया है, क्या मान लिया है, बी। आप इस कोऑर्डिनेट को क्या ए और बी भी कह सकते हैं, क्यों, एक्स अक्ष पर ए खाना है और वाई अक्ष पर कितना खाना है, बी खाना है, हमने इसको इससे क्या कर दिया, मिला दिया, जिसका मान कितना हो गया, एक हो गया। कैसे हो गया, कैसे हो गया, हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, पाइथागोरस प्रमेय कहेगा कि जो त्रिज्या हो जाएगी, जो कौन होगी, त्रिज्या होगी, वो क्या होगी, लंब और आधार के योग के क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा त्रिकोणमिति फलनों के भिन्न 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 स्थानों पर का भिन्न भिन्न मान। आप देख लीजिए, हम लोग कॉस के बारे में बात करते हैं, कॉस एक्स के बारे में, ठीक है ना, कॉस एक्स, कॉस एक्स जीरो कब कब होगा, कॉस एक्स जीरो, कॉस एक्स बराबर मैंने मान लिया है क्या जीरो, तो हम ये देख रहे हैं कि कब कब ये क्या होगा, जीरो होगा। हम देख पा रहे हैं कॉस यहाँ पर जीरो नहीं है लेकिन यहाँ जीरो है, पाई बाई टू पर जीरो है, फिर यहाँ जीरो नहीं है लेकिन यहाँ है तीन पाई बाई टू पर, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ जीरो नहीं है यहाँ है टू पाई में, पाई बाई टू जोड़ोगे टू पाई प्लस पाई बाई टू, तो आंसर हो जाएगा दो दूना चार एक पाँच पाई बाई टू, फिर से हमारा आंसर क्या आया पाँच पाई बाई टू। मतलब आप देख पा रहे हैं इसी चीज को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में जब लिखते हैं तो टू एन प्लस वन इंटू क्या लिख देते हैं पाई बाई टू लिख देते हैं। आप वैल्यू रखो, जीरो रखोगे तो पाई बाई टू मिलेगा, एक रखोगे दो एक अनम दो एक तीन, तीन पाई बाई टू मिलेगा, फिर दो रखोगे दो दूना चार एक पाँच पाई बाई टू मिलेगा। इस प्रकार से ये किसका मान रहा है, एक्स का रहा। इसी प्रकार से देख लीजिए कॉस, कॉस हो गया तो किसका, साइन का। साइन एक्स जीरो कब कब होगा, साइन एक्स जीरो कब कब होगा, तो कब होगा जब एक्स का मान क्या रहेगा, एक्स का मान या तो क्या रहे जीरो रहे, या एक्स का मान क्या रहे, एक्स का मान क्या रहे नब्बे मतलब पाई बाई टू रहे, या एक्स का मान कितना रहे यहाँ नहीं, यहाँ पर फिर से क्या होगा साइन, साइन हमारा यहाँ फिर से जीरो होगा, कहाँ पर पाई नब्बे पर, अच्छा ये सॉरी ये गलत है, पाई बाई टू पर नहीं, साइन जीरो का मान जीरो पर होगा, फिर किस पर होगा पाई पर होगा, फिर किस पर होगा टू पाई पर होगा, फिर किस पर होगा तीन पाई टू पाई, फिर यहाँ हो जाए कितना तीन पाई। इसी प्रकार से ये देख रहे हैं आगे बढ़ेगा, इसी प्रकार से ये भी आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ एक्स बराबर इसे हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या लिख देते हैं एन पाई। एन का मान यदि जीरो रखे तो जीरो मिलेगा, एक रखे तो पाई, दो रखेंगे तो दो पाई, तीन रखेंगे तो तीन पाई। इस प्रकार से क्या हो रहा होता है, साइन कॉस के मान क्या हो रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म कहते हैं कि समीकरणों का व्यापक मान, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।